एक और खबर जो है सीएम भगवंत मान की शादी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान की शादी आज हो रही है और उनकी होने वाली दुल्हन डॉक्टर गुरप्रीत कौर की जानकारी को लेकर हर कोई उत्साहित है कि आखिर ये कौन है, क्या करती है, कहाँ की रहने वाली है। इस बीच शादी के ऐलान के बाद जो है गुरप्रीत कौर ने पहला ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिन शगनादा चढ़िया। सोशल मीडिया पर गुरप्रीत कौर को बधाई देने वालों का तब से तांता लगा हुआ है। लोगों ने भगवंत मान के साथ उनकी शादी को लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। गुरप्रीत भी बधाई देने वाले लोगों का धन्यवाद कर रही हैं। बता दें कि सीएम भगवंत मान पंजाब के पहले ऐसे राजनेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए शादी कर रहे हैं। मान यानी कि आज 7 जुलाई डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनका विवाह सिख परंपराओं और आनंद कराज के अनुसार किया जाएगा और वो एक स्थानीय गुरुद्वारे में समारोह को पूरा करेंगे। तो सीएम आवास पर ही जो है शादी समारोह आयोजित किया गया है और पंजाबी परंपराओं के तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से शादी ब्याह होता है, जो परंपरा है, उसके तहत ही ये शादी जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही कल इस बात का ऐलान हुआ कि मुख्यमंत्री शादी करने वाले हैं और लड़की का नाम सामने आया, उसके तुरंत बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, लड़की का नाम जैसे ही सामने आया, लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की बढ़ गई कि आखिर लड़की कौन है, उसको लेकर लोगों की तरफ से सर्च भी किया गया और ख़ुद फिर गुरप्रीत कौर ने ट्वीट करके और ट्वीट में लिखा कि दिन शगनादा चढ़िया, उसके बाद लगातार जो है बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो ऐसे में क्योंकि पिहोवा की रहने वाली हैं गुरप्रीत, तो पिहोवा में भी एक तरीके से वहाँ पर खुशी का माहौल जो है उनके परिवार में देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्वीट के बाद यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर पेहोवा की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा के पेहोवा से हैं गुरप्रीत कौर, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, तो पेहोवा के लोगों के लिए भी बिल्कुल एक खुशी का दिन है, एक बड़ा दिन है। पेहोवा की एक लड़की जिसका विवाह पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है। कल जैसे ही ये खबर सामने आई डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ विवाह होगा, ये चर्चा जैसे ही सामने आई, उसके बाद लोग लगातार सर्च किया जाने लगा, सोशल मीडिया पर लगातार सर्च किया जाने लगा, चर्चाएं अलग अलग चल पड़ी कि आखिर कहां से हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारी जानकारी जो है वो सामने आई। करीब 2 से 3 साल पहले से, 3 साल पहले से जो मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं उन्हें जानते हैं। जो गुरप्रीत कौर हैं, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, उनका भगवंत मान के परिवार में आना जाना भी है। इसके अलावा 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी वो साथ दिया डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने, और पारिवारिक एक रिलेशन भी उनके परिवार के साथ है। और यही कारण है कि भगवंत मान की मां की भी वो पसंद थी और उसके बाद ही भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर का विवाह आज हो रहा है। जी बिल्कुल, अनिल बने रहिए। पेहोवा से संवाददाता हमारे साथ जसविंदर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। और पेहोवा में किस तरीके का माहौल है, परिवार में लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं अपनी बेटी के विवाह को लेकर, जसविंदर ज़रा बताएं, पेहोवा में इस वक्त आप मौजूद हैं, गुरप्रीत के घर के बाहर है, तो कैसा माहौल वहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या लोगों का आना जाना लगा हुआ है या परिवार वाले सब पहुँच चुके हैं चंडीगढ़? जी बिल्कुल, प्रीति बताना चाहूँगा, डॉक्टर गुरप्रीत के घर के बाहर खड़े हैं, तो अब यहाँ पे गेट बंद कर चुका दिया गया है और जो गुरप्रीत का परिवार है वो सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ जा चुके हैं। रात के समय उनके परिवार वालों से हमारी बात हुई थी, उनके जो परिवार में उनके चाचा जी हैं उनसे हम बात हुई थी। परिवार में काफी उत्साह है और उत्साह भी बनता है कि एक गुरप्रीत एक छोटे से कस्बे से पंजाब के जो सीएम है उसके साथ विवाह के सूत्र में मिलने जा रही है। जी और बिल्कुल, यहाँ पर क्या सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं, घर में कोई भी नहीं है, अगर आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी शादी को लेकर और गुरप्रीत को लेकर खास तौर पर, या कुछ और जानकारी, क्योंकि मीडिया पर जो चीज़ें सामने आई हैं उसको तो हर कोई जान रहा है, लेकिन कुछ अलग सी चीज़ें जो परिवार के लोगों ने उनको लेकर बताई हों, क्योंकि अब हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी बनने वाली हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जब आसपास के जो पड़ोसी थे उन्होंने हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि गुरप्रीत जो एक स्वाभाविक परिवार से है और बहुत ही अच्छे विचारों वाली लड़की थी और ये टैगोर पब्लिक स्कूल में इसने पहली से लेकर 10वीं तक की परीक्षा यहाँ पास की थी, उसके बाद ये पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चली गई थी, वहाँ पर प्लस वन प्लस टू की परीक्षा की, उसके बाद डॉक्टर की डिग्री इन्होंने मुलाना मेडिकल से प्राप्त की, उसके बाद ये डॉक्टर बने हैं। और जो परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि गुरप्रीत को
बचपन में गोपी के नाम से बुलाया जाता था और ये बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी लड़की थी। जी शुक्रिया जसविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल यहाँ पर आपका रुक करना चाहूंगी, जरा बताएं कि रस्में शुरू हो चुकी हैं, शुभ मुहूर्त विवाह का क्या है और उसके तहत क्या रस्में शुरू हो चुकी हैं, कब तक ये पूरा जो विवाह समारोह है ये संपन्न हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए आप जो विवाह का समारोह है आनंद कारज है उसकी शुरुआत हो गई है। एक फोटो भी अभी भी सामने आया जिसमें भगवंत मान बैठे हैं, उनके साथ में डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी बैठी हैं। इसके बाद अभी जो है आनंद कारज का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। करीब 1 से 1.5 घंटे में विवाह जो है वो संपन्न होगा और क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए चाहे उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात की जाए वो मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, राघव चड्ढा की माँ भी मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये विवाह जो है संपन्न होगा। जी शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो अब जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लोगों की और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है। अब सबको इंतजार है कि शादी के बाद दोनों की जो है तस्वीरें सामने आए। फिलहाल विवाह समारोह जो है वो शुरू हो गया है, रस्में जो होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही जो है दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे।